एक मसला है, बहुत विवादों में आ गया है। कुमारी सैलजा को बीजेपी में आने का ऑफर मिल गया है। जी हां, हरियाणा के पूर्व सीएम मनोहर लाल खट्टर ने बड़ा बयान दे दिया। मनोहर लाल खट्टर ने बीजेपी में आने का ऑफर दिया है, वो चाहें तो बीजेपी में आ सकती हैं। ये मनोहर लाल खट्टर की तरफ से कहा गया है। कांग्रेस से नाखुश चल रही हैं कुमारी सैलजा, जो सूत्र बता रहे हैं प्रचार भी नहीं कर रही हैं काफ़ी दिनों से, और ऐसे में बताया जा रहा है कि कांग्रेस से नाराज चल रही हैं। इसी बीच बीजेपी के मनोहर लाल खट्टर का बहुत बड़ा बयान आता है, क्या कुछ कहा गया सुनाते हैं आपको। अनुसूचित जाति का समाज सब चिंता करते हैं, उसकी चाहे कोई भी पार्टी हो, सम्मान सबको प्यारा है, अपमानित करना ये समाज में वर्जित है। कोई किसी अपमान रहता तो पंचायत में बैठते हैं, अगर पंचायत में कोई विरोधी व्यक्ति भी हो खड़ा होकर किसी के बारे में बोल देता है तो पंचायत बैठा देती है ना। नहीं, मैं ऐसा नहीं बोलता, करती है ना, लेकिन इनको शर्म नहीं आई। उस भक्त को गालियां तक दी है इन्होंने, बैठी अपना आराम से। एक बड़ा वर्ग आज सोच रहा है कि हम क्या करें। बहुत लोग इनके परेशान निराश हुए, हमने ऑफर दे देके उनको अपने साथ मिलाया है, हम तो तैयार हैं इस ऑफर के लिए, आज तो हम तैयार हैं उनको मिलाने। और आपको बताते हैं कि मनोहर लाल खट्टर को आपने सुना, उनको उनका जो बयान है उसको विस्तार से बताते हैं। हरियाणा में कांग्रेस की हालत ख़राब है, ये दरअसल उनकी तरफ से कहा जा रहा है, और कांग्रेस का जो सीएम चेहरा वो साफ नहीं है। हुड्डा फैमिली में सीएम बनने पर खींचतान मची हुई है। ये देखिए, दलित बेटी कुमारी सैलजा का अपमान किया जा रहा है कांग्रेस में, कुमारी सैलजा को गालियाँ तक दी गई, ये भी उनकी तरफ से कहा गया मनोहर लाल खट्टर की तरफ से। उनका अपमान हो रहा है, उन्हें सम्मान नहीं किया जा रहा उनका, कुमारी सैलजा को गालियां तक दी गई। सैलजा के लिए बीजेपी के दरवाजे खुले हुए हैं, कभी भी वो आ सकती हैं। कांग्रेस को हार का डर सता रहा है हरियाणा में, कांग्रेस को हार का डर है और गठबंधन की जो वजह है इसी वजह से हार का डर है। उन्होंने कहा कि अगर किसी को विश्वास होता कि उनकी सरकार बन रही है तो वो गठबंधन के करने के लिए हाथ आगे नहीं बढ़ाते, पर कांग्रेस ऐसा कर चुकी है, उनके साथ हाथ मिलाने वाला कोई नहीं आया, ये उनकी हार की तरफ बढ़ती एक पहचान है। और देखिए, हरियाणा कांग्रेस में किस तरह से खींचतान मची हुई है, क्यों कुमारी सैलजा नाखुश नजर आ रही हैं, इसकी वजह समझने की कोशिश करते हैं। पहली वजह यह है कि करीबियों को टिकट न मिलना, यानी जो हुड्डा कैंप में करीबी रहे उनको टिकट मिलने में तर्जी, और उनके करीबियों कुमारी सैलजा के करीबियों को टिकट न मिलना, ये पहली वजह। दूसरी बड़ी वजह, टिकट में हुड्डा को प्राथमिकता दी गई, हुड्डा कैंप को प्राथमिकता दी गई। तीसरी बड़ी वजह, जहां सैलजा हैं वह करीबी कैंडिडेट, वहां मैदान में हुड्डा करीबी निर्दलीय हैं, तो ये भी एक बहुत बड़ी वजह है। चौथी बड़ी वजह, कांग्रेस कैंडिडेट के सामने हुड्डा समर्थक निर्दलीय खड़े हैं। पांचवी वजह, जहां गैर हुड्डा समर्थक कैंडिडेट हैं वहां भी हुड्डा करीबी निर्दलीय हैं, तो यानी जहां हुड्डा कैंप के कैंडिडेट नहीं है, प्रत्याशी नहीं है, वहां पे हुड्डा कैंप के जो करीबी हैं वो निर्दलीय के तौर पर चुनाव लड़ रहे हैं। इसीलिए और ज़्यादा बताई जा रही है कि असंतुष्टि है कुमारी सैलजा के जो गुट में है, और कुमारी सैलजा इसीलिए नाराज़ चल रही है, इसलिए खींचतान है। तो ये पांच प्रमुख वजह है जिसकी वजह से खींचतान मची हुई है। कुमार विक्रांत और ज़्यादा जानकारी के साथ मौजूद हैं। कुमार, बीजेपी ने तो मुद्दे को पकड़ लिया है और ऑफर भी दे दिया है कुमारी सैलजा को कि बीजेपी में उनका स्वागत है, वो जब चाहे आना चाहे, लेकिन नाराजगी क्या है, क्यों नाराज है कुमारी सैलजा? देखिए, तीन बड़ी वजहें हैं। पहली वजह तो ये कि हुड्डा के कैंप को टिकटों में तरजीह दी गई, हालांकि उसके बाद कुमारी सैलजा से जब TV9 ने सवाल किया तो उन्होंने कहा कि 2004 में भजनलाल कैंप को ज्यादा तरजीह दी गई थी, लेकिन मुख्यमंत्री हुड्डा बन गए थे, तो वो मामला शांत हो गया था। दूसरी बात सामने आई जब कांग्रेस के कुछ कार्यकर्ता, जो कथित कार्यकर्ता थे, उन्होंने तमाम भद्दी टिप्पणियां करी दलित होने पर, जिसको लेकर के, जिसके बाद भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने TV9 से बातचीत में कहा कि कुमारी सैलजा उनकी छोटी बहन है, सम्मानित नेता है, और कोई भी कांग्रेस में ऐसी बात करेगा तो उसको बख्शा नहीं जाएगा, तो वो मामला भी शांत हो गया था। लेकिन उसके बाद जो सैलजा के करीबी उम्मीदवार लड़ रहे हैं और कुछ कांग्रेस के उम्मीदवार जो हुड्डा कैंप के नहीं माने जाते हैं, उनके सामने माना जा रहा है कि हुड्डा कैंप के लोग निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं, जिनको हुड्डा कैंप ने अभी तक बैठाया नहीं है, इस बात को लेकर नाखुशी है, और ये नाखुशी उन्होंने आला कमान को बता दी है। पूरे मामले को सॉर्ट आउट करने की कोशिशें लगातार जारी।
यहाँ कांग्रेस खेमे में पूरे मामले को सॉर्ट आउट करने की तो कोशिश जारी है, लेकिन अब कुमारी शैलजा की तरफ से क्या प्रतिक्रिया आती है ये देखना होगा। बहरहाल शुक्रिया आपका कुमार विक्रांत पूरे मामले को समझाने के लिए। और आपको सुनवाते हैं सीएम फेस को लेकर टीवी 9 को दिए इंटरव्यू में कुमारी शैलजा और भूपेंद्र हुड्डा ने क्या कहा। देखो हर एक की इच्छा होती है, क्यों नहीं होगी अपनी इच्छा, मतलब ये तो नहीं है ना कि कुछ ही लोग इच्छा जाहिर करें और बाकी सब बैठे क्यों। ये तो इट्स एन ओपन फील्ड, हाई कमांड हैज टू डिसाइड, ऑल ऑफ अस हैव टू वर्क और सबने काम किया है। अब देखो मैं किसी और पर क्यों टिप्पणी करूं, मैं तो अपनी बात कह सकती हूं कि इतना समय है, लोग भी हैं, सब कुछ है और काम करने की इच्छा है आगे। देखो इच्छा रखना एक खाका है और हाई कमांड क्या फैसला करता है वो एक दूसरी चीज़ है। नहीं तो आदमी सब प्रगति करने की सकता है, क्यों नहीं बन सकती। तो पार्टी की पद्धति है, विधायक बनेंगे, विधायक बनेंगे, ऑब्जर्वर आएंगे, वो विधायकों से पूछेंगे, उनका मत जानेंगे और फिर हाईकमांड फैसला कर देगी। जिसका भी फैसला कर देगी मेरे को मंजूर होगा वो तो सबको आकर पार्टी हाईकमांड का फैसला जो भी होगा मानूंगा। ना टायर्ड हूँ ना रिटायर्ड हूँ, आपके सामने खड़ा हूँ।